श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणी अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सूरत का जगना क्या है? मेरी सूरत सुहागिनी जागेरी, क्यों तू सोवत मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी। चित से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी। दो कर जोरी शीश चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। प्यारे भाइयों, आप लोगों ने संत कबीर साहब का वचन मेरी सूरत सुहागिनी जागरी का पाठ सुना। सूरत का जगना क्या है? जब तक मनुष्य अज्ञानता की नींद में सोया है, विषयों में लवलीन रहता है, तब तक जगा हुआ नहीं है। अज्ञानता किसे कहते हैं? आत्मज्ञान विहीनता को अज्ञानता कहते हैं। विषयों से मन को उल्टो, भजन में लगो, उठो, बेखबर मत हो। भजन में लगना विषयों की ओर से फिरकर जगना है। हम लोग स्थूल विषयों में फंसे रहते हैं तथा इनमें सुख मानकर इन्हीं विषयों में लगे रहते हैं। इनसे यदि मुर जाएं तो स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय की ओर हो जाएंगे। स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय की ओर होकर फिर उससे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जब स्थूल विषय का कुछ भी चिंतन किए बिना रहता है, तब स्थूल विषय छूटता है। यह दृष्टि साधन से होता है। अपने को रूप रसादि से हटाकर किसी एक जगह पर रख सकें तो विषयों से छूट सकते हैं। स्थूल विषय से मुर जाने के लिए नहीं जाने तो जग नहीं सकते। यह जगना दृष्टि साधन से होगा। नाद बिंदु परिषद में लिखा है, दृष्टि अस्थिर आयस्य विना सदृश्यं वायु शिरो अस्थिरो यस्य विना प्रत्यन्नम चीतं अस्थिरं यस्य विनावलंबं स ब्रह्मा तारांतर नाद रूप है। अर्थात जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य आधार के स्थिर हो जाती है, जिसका प्राण वायु बिना किसी प्रयत्न के अचल हो जाता है और जिसका चित्त बिना किसी अवलंब के अस्थिर हो जाता है, वह तार ब्रह्म प्रणव ब्रह्म के आंतरिक नाद का स्वरूप ही हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया द्वारा स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय में जाएंगे, इसका निशाना कहाँ होना चाहिए यह भेदी भक्त ही जानते हैं। इसका खुलासा करना गुरु आज्ञा नहीं है। जिनको समझने की जरूरत हो उनको बताने के नियुक्त किए हुए समय पर इसका खुलासा मिलता है। बाहर का दृश्य बिल्कुल छोड़ दिया, मन में जो चित्र उदय हुआ उसको भी छोड़ दिया। फैली निगाह से नहीं देखना, सिमटी निगाह से देखना। दृष्टि का ऐसा सिमटा हो कि कुछ भी फैलाव न रहे, जहां फैलाव का स्थान नहीं रहे ऐसे स्थान पर दृष्टि को रखो। सिमटी निगाह से देखना दृष्टि साधन है। इस साधन से स्थूल दृश्य से तथा स्थूल विषय से मुड़िएगा, यही पहला जगना होगा। यही काम करते रहना भजन करना है। स्थूल से मुड़कर सूक्ष्म में प्रवेश करें, यही भजन में लगना है। भजन कोई किसी को देता नहीं है। भजन करने की युक्ति बता दे सकता है,
भजन कैसे दिया जाएगा, वह तो करने से होगा। जो कोई घोर निद्रा में सोया हुआ होता है उसे पुकारा जाता है उठाने के लिए। पुकार से नहीं उठने पर शरीर को पकड़कर हिलाते हैं। शब्द कहकर जगाना सूक्ष्म है, देह पकड़कर हिलाना स्थूल है। मानस जप और मानस ध्यान स्थूल साधन है। इन दोनों सीढ़ियों पर स्थिर होकर आप अपनी परीक्षा आप करें कि कितनी देर तक उन्हें एकाग्र मन से आप करते हैं। मैं तो कहता हूं कि 2 मिनट भी ऐसा जप करें कि जप है और आप हैं, तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा करते हैं। जो मानस जप ठीक से करते हैं उससे मानस ध्यान भी ठीक ठीक होता है। मानस ध्यान ऐसा होना चाहिए कि हूबहू देख लिया जाए। परम श्रद्धेय बाबा देवी साहब ने एक दिन मुझसे पूछने की कृपा की, क्या तुम मानस ध्यान में हूबहू निकाल लेते हो? मैंने कहा, जी नहीं, धुंधला दिखाई देता है। इस बात पर बाबा साहब ने कहा, मैंने मानस ध्यान किया और हूबहू निकाल लिया है, तो इस प्रकार दोनों सीढ़ियों पर मजबूत होने पर विशेष युक्ति द्वारा बिना दृश्य आधार के दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब बिंदु का उदय होता है। कमी पुराण मनुषासितार मनोरण्यांशम नुस्मरेद्यः सर्वधातर मचिंत्य रूपमादित्य वर्ण तमसः परस्तात। गीता 8:9। इसके दर्शन करने वाले स्थूल जगत के सांवले गौर आदि सब रूपों को भूल जाते हैं। यहाँ तक देह डुलाकर जगाना है। अब आगे पुकारने की बात आती है, किंतु यहाँ विघ्न है। यहाँ आज्ञा चक्र में पुकार आती है और तब रिद्धि सिद्धि प्रेरणा करने लगती है। इससे यदि बच जाए तो यहाँ क्या जावेगा? बिजाक्षरंग परंग बिंदु नादंग तस्योपड़ी अस्थितम सशब्दंग चाक्षरे छीने निशब्दंग परम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। अर्थात बिंदु के बाद नाद आवेगा। यथार्थ यहाँ नाद तो है ही है, किंतु पकड़ नहीं सकते। पुकार का शब्द यही है, ईश्वर पुकारता है, आदमी क्या पुकारेगा? है आ रही धुन, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, आदि से जोर की आवाज तुमको बुलाने के लिए आ रही है। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पै जाने के लिए। अपने मित्र की खोज में क्यों भटक रहे हो? उनके पास जाने के लिए सुषुम्ना में रास्ता है, दृष्टि साधन से सुषुम्ना में जा सकते हो। गोश बातिन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाह अल्लाह हो अकबर पै जाने के लिए। उस शब्द को बाहर के कान से नहीं, भीतर के कान से, सूरत के कान से सुनते हैं। तीनों बंद लगाई देखी सुनी धैरी ध्वनि धारा, चली शब्द में खींचत बजत जो विविध प्रकारा। झिंगुर का झनकार भंवर गुंजार हो, अरे हरे में ही घंट शंख सहनाई आदि ध्वनि धार हो। आगे शून्य समाधि नाद ही नाद की, लहे संत का दास जाही सूधी आदि की। मीठी मुरली सुने सूरत के कान से, अरे हरे में ही बड़ा कौतूहल होए ध्वनिन के ध्यान से। कुछ दिन अभ्यास करने पर शब्द खुल जाएगा। यह अनुपम शब्द परमात्मा के पास ले जाने के लिए होता है, यही पूरा जगना है। चित से शब्द सुनो सर्वन दे उठत मधुर धुन रागरी। यह कहाँ प्राप्त होगा? इसलिए कहा, दो कर जोड़ी शीश चरणन दे भक्ति अचल तर मांगरी। यहाँ चरण कहने से स्थूल मूर्ति आ जाती है, किंतु यहाँ गुरु चरणों को शीश पर लेने का अर्थ है आज्ञा चक्र में उसका ध्यान करना। इसलिए यहाँ कर का अर्थ किरण लेंगे।
दोनों किरणों को जोड़कर भक्ति का वर मांगो। संत तुलसीदास जी ने कहा है, औरव एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। अर्थात मैं सबको और एक गुप्त विचार कहता हूँ, वह यह है कि किरणों चैतन्य वृत्तियों सूरत की धारों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वाला भजन किए बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता है। कर मतलब किरण, किरण प्रकाश रूप होनी चाहिए। शरीर में चैतन्य वृत्ति व सूरत की धार ज्ञानमयी तथा प्रकाशमयी है, अतएव इसी वृत्ति व धार को किरण मानना चाहिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। संसार की ओर पीठ देकर भाग जाओ, पीठ दिखाना कैसे होगा? कहीं भी जाओ संसार में रहना होगा। जब तक इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर नहीं उठे तब तक संसार में रहना होगा। इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर उठने पर जगत को पीठ देना होगा। जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति से पड़े तुरीय में चला जाए तो संसार की ओर पीठ हो जाएगी। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी जोगी। जब तक सूरत का सिमटाव नहीं होगा जगत को पीठ देना नहीं होगा। सूरत को केंद्र में केंद्रित करने से जगत को पीठ देना होगा। वही वैरागी है तथा सन्यासी है। केवल घर छोड़ने से कोई वैरागी अथवा सन्यासी नहीं होता और न जगत को पीठ देना हो सकता है। इसके लिए दृष्टि साधन करके नादानुसंधान करें, तभी वह पूर्ण रूप से जगत पीठ दे भागरी होगा। यह प्रवचन ग्राम धरहरा जिला पूर्णिया विशेषाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 24/12/1951 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।